Greetings, friends. Winter is coming. Indeed. In fact, it's already come in a few places, so we might be just a tad late with the video. Have you noticed that your skin gets tanned more during winters or that it simply gets darker? Usually these days, I get a lot of queries from my patients regarding the same. So, aaiye hum aaj dekhenge ke winters mein skin dark kyun hota hai ya skin pigmentation kyun badhta hai. So, pehli baat ye hai ki skin darkening is a measure of your skin type. As a race, as Indians, we are darker skinned, so we pigment more than we burn. So, jab aap sun exposure karte hain, aapko tanning hone ke chances zyada hai rather than you burning, especially if you are a darker skin type. Iska simple explanation ye hai ki skin mein pigment hota hai, jise hum melanin bolte hain. वो कितना सनलाइट एब्जॉर्ब करता है उस पर ये डिपेंडेंट है. विंटर्स में और तो और ड्राइनेस भी होता है. द मॉइस्चर रिटेंशन बाय द स्किन गोज डाउन. दिस ऑल्सो मेक्स योर स्किन लुक डल एंड लाइफलेस. सो एक इल्यूजन आता है कि स्किन डार्क है. अगर आपकी स्किन में ऑलरेडी पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम है देन योर पिगमेंटेशन कैन वर्सन ड्यूरिंग द विंटर सीजन. आई थिंक यू ऑलरेडी नो दैट एंड यू माइट ऑलरेडी बी फेसिंग दैट ऑल्सो. सो ये पहला रीजन है. सेकेंड रीजन है कि ड्यूरिंग विंटर्स बिकॉज इट्स कोल्ड वी सीक सनलाइट, सन बेदिंग, सोकिंग इन द सन एंड सो ऑन. एंड क्योंकि विंटर्स में वेदर ग्लूमी है तो आप में से कुछ लोगों को लगता है कि सनस्क्रीन की जरूरत नहीं होनी चाहिए विंटर्स में. सो देर इज नो और लेस सनस्क्रीन एंड अ हायर सन एक्सपोजर. सो देर इज एन इम्बैलेंस देर. द रेडिएशन कमिंग फ्रॉम द सन विच डैमेजेस योर स्किन कैन पेनिट्रेट द क्लाउड्स, कैन पेनिट्रेट द विंडस्क्रीन ऑफ योर कार, इवन योर ब्यूटिफुल फ्रेंच विंडोज एट होम फ्रॉम वेयर यू आर प्रॉब्ली लिसनिंग टू मी, इवन ड्यूरिंग द विंटर सीजन. सो मैं अपने सब पेशेंट्स को यही समझाता हूं, हुएवर सेंड्स मी क्वेरीज, कि हमारा फोकस हीट पे नहीं लाइट पे होना चाहिए. सो इफ देर इज लाइट, मेक श्योर दैट यू आर अप्लाइंग सनस्क्रीन. और जहां लाइट ज्यादा है वहां आपको यूवी रेडिएशन ही नहीं, इंफ्रारेड, विजिबल लाइट एंड अदर रेडिएशन से भी बचाव करना है. सो यू कैन गेट पिगमेंटेशन, बैड ऑयल कंट्रोल, स्किन टेक्सचर चेंजेस, प्रीमेच्योर एजिंग. इस समय स्किन केयर पे इतना ज्यादा रिसर्च है ऑन विजिबल लाइट एंड स्पेशली विजिबल लाइट का कंपोनेंट जिसको हम ब्लू लाइट बोलते हैं. बेसिक आइडिया यह है कि ब्लू वेवलेंथ लंबा होता है. जितना वेवलेंथ लंबा है वो उतना डीप पेनिट्रेट करेगा स्किन में. और इसीलिए आप देखेंगे कि आजकल सनस्क्रीन्स में नॉर्मल ब्रांड्स के अलावा आप यूवीए यूवीबी प्रोटेक्शन तो पाते ही हैं, आईआर यानी इंफ्रारेड, वीएल यानी विजिबल. एंड अगर कोई भी सनस्क्रीन टिंटेड है तो वो ऑटोमेटिकली आपको विजिबल लाइट से प्रोटेक्ट करेगा. नेक्स्ट पॉइंट ये है कि कुछ सिलेक्ट लोगों में इनफैक्ट ये पाया जाता है कि जब आप मल्टीपल लेयर्स ऑफ क्लोथिंग यूज करते हैं, बहुत ज्यादा सिंथेटिक क्लोथ यूज करते हैं, बिकॉज ऑफकोर्स वी हैव टू कीप आवरसेल्व्स वार्म ड्यूरिंग द विंटर्स, देयर इज मोर फ्रिक्शन एंड फ्रिक्शन कैन डार्कन द स्किन इन सम केसेस. सो ये भी एक रीजन और है. सो अब तक हमने डिस्कस किया डिहाइड्रेटेड स्किन, लेस स्किन केयर, लिटिल और नो सनस्क्रीन एंड फ्रिक्शन. सो ये चार मेन कॉजेज है एज टू वाई योर स्किन लुक्स डार्कर ड्यूरिंग द विंटर्स. बट नाउ दैट वी हैव दिस इन्फॉर्मेशन, हाउ डू वी गियर अप फॉर द विंटर्स? सो हाइड्रेशन बिगिन्स फ्रॉम द इनसाइड, नो डाउट्स अबाउट दैट. वाटर इनटेक शुड बी 2 to 3 liters अ डे और एटलीस्ट 10 to 12 ग्लासेज इन अ डे. From the outside also you need to hydrate. So skin dehydration occurs when skin is not able to retain moisture. So when you pull skin, it won't come back to its original state. Our skin has a certain amount of water already which we lose during winters. Bahar ka jo air hai that is low in humidity. So the outer layer of the skin is like a mirror. Low humidity outside means low humidity inside. Our main aim with the moisturizer, or I call this the hero step in any routine, is to hydrate the top layer, taki wahan pe moisture rahe, rehydrate it, and more importantly, seal it so that you keep the moisture there. All of this process will repair the skin in the long run. Switch to creamier moisturizers, ceramide-based moisturizers, natural moisturizing factors for the body. Facial skincare mein, in summers, like we always recommend exfoliative or foaming face washes to reduce oil and grime. Magar winters mein aapko hydrating cleansers, moisturizing cleansers ya gentle cleansers use karne hain, jisse ki irritation aur scaling bhi kam hoga. So use a milder non-foaming face wash. Isme ek aur bhi trick hai. Aap winters mein bhi agar exfoliating face wash use karna chahte hain, for example, if you have combination to oily skin, you can actually use a foaming face wash, but use a creamier moisturizer. So a much thicker moisturizer than you use during the summer. So balance it out. It's not rocket science. Once you know what your skin is, how it is and what type it is, you can easily adjust these things.
Try to use a ceramide-based moisturizer twice a day for combination to dry skin, like I told you. Ceramides are basically natural fats or lipids which restore the normal skin barrier. So, hume good and long-term protection milega from the harsh winters. More, as important as moisturizers and hydration, you also have to reduce your bathing times to under 5 minutes. No hot showers, switch to lukewarm, yani kosa pani. क्योंकि ये भी स्किन में से कम मॉइस्चर स्ट्रिप करता है. सो व्हाइल वी ऑल एंजॉय लॉन्ग वार्म बाथ्स, ट्राई टू रिड्यूस द टाइम लिमिट एज फार एज पॉसिबल. सन प्रोटेक्शन मैंने आपको बता ही दिया है, मैंडेटरी है. सो क्वेश्चन ऑब्वियसली ये नहीं है कि हम सनस्क्रीन यूज करें ना करें, क्वेश्चन ये है कि कौन सा यूज करना चाहिए. विंटर्स ड्राई है, आपका स्किन ड्राई है, देर इज नो मॉइस्चर, इसलिए आपको क्रीमियर फॉर्मुलेशन यूज करने हैं. और प्रेफरेबली पहले मॉइस्चराइजर बेस बनाइए, उसके ऊपर सनस्क्रीन को लेयर करिए. सो यू नो कुछ साल पहले हम सनस्क्रीन्स के साथ बहुत केयरफुल थे बिकॉज अ लॉट ऑफ देम वर स्टिकी, ग्रीजी एंड ग्राइमी. बट आज के डेट में 2022 में देर इज सो मच R&D इन टू सनस्क्रीन्स, देर आर सो मेनी फॉर्मुलेशन, देर इज नो एक्सक्यूज फॉर यू टू नॉट बी एबल टू यूज सनस्क्रीन्स. देर आर फ्लूइड बेस्ड सनस्क्रीन्स, जेल बेस्ड सनस्क्रीन्स, लोशंस, क्रीम्स, सो ऑन एंड सो फोर्थ. सो यू डेफिनेटली नीड टू वेयर सनस्क्रीन नो मैटर वेर यू आर एंड नो मैटर वॉट द वेदर इज, इंक्लूडिंग विंटर्स. So ladies and gentlemen, I hope with this extensive video, I've been able to answer all your doubts regarding darker skin during winters. Do leave your questions in the comment section below so I can address them. Enjoy the winters and don't forget to take care of your skin. Over and out.